सऊदी अरब ने हाल ही में ऐसा काम किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सऊदी अरब अपनी कट्टरपंथी पहचान से मुक्ति पाना चाहता है और अब इसी छवि को सुधारने के लिए सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाया है। ये एक ऐसा कदम है जो फर्जी बुद्धिजीवियों और धर्म के ठेकेदारों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। दरअसल सऊदी अरब ने पहली बार भारतीय संस्कृति की पहचान योग को अपना लिया है। सऊदी अरब ने एक बड़े योग फेस्टिवल का आयोजन किया। ये उत्सव किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी के जुमान पार्क में किया गया, जहां करीब 1000 से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और योग किया। मजहबी कट्टरता के लिए मशहूर सऊदी अरब आधुनिकता की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो सऊदी अरब पहले इस्लामिक कट्टर कानून और अपनी दकियानूसी सोच के लिए जाना जाता था, वहां इस तरह का बदलाव देखना अपने आप में बड़ी बात है। कुछ समय पहले सऊदी अरब में म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि सऊदी अरब जैसी जगह पर किसी को इस तरह के आयोजन की उम्मीद नहीं थी। महिलाओं को अधिकार देने के लिए भी सऊदी अरब ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें महिलाओं को ड्राइव करने की अनुमति देने जैसे फैसले शामिल हैं। और अब सऊदी अरब में हुए योग फेस्टिवल की चर्चा जोरों पर है। योग फेस्टिवल में पहुंचे लोगों को योग का अभ्यास कराया गया और भारत की इस प्राचीन कला के बारे में विस्तार से बताया गया। इस कार्यक्रम में 8 घंटे से अधिक समय तक योग गुरुओं ने क्लास और लेक्चर लिए। इस कार्यक्रम को सऊदी योग समिति की ओर से आयोजित किया गया। मई 2021 को सऊदी अरब में योग को बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया था। इस समिति की अध्यक्ष नौफ अल मरवई है। सऊदी अरब के इस योग फेस्टिवल की चर्चा भारत में भी हो रही है। इसकी वजह नौफ मरवई भी है। उन्हें साल 2018 में पद्मश्री से नवाजा गया था। नौफ मरवई सऊदी अरब में पहली सर्टिफाइड योगा प्रशिक्षक हैं। उन्होंने सऊदी अरब में योग को वैध बनाने में अहम भूमिका निभाई। वो खुद एक बीमारी से पीड़ित थी, जिसे उन्होंने योग और आयुर्वेद से ठीक कर लिया। सऊदी अरब में आयोजित योग फेस्टिवल पर नौफ मरवई ने कहा कि योग में भाग लेने वाले लोगों की संख्या, उनका उत्साह और सकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर वह हैरान थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.